आइए दोस्तों उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें और सभी प्रमुख मुख्य समाचार पर नजर डालते हैं। देखिए वाराणसी को काशी तमिल संगमम ट्रेन की सौगात, रेल मंत्री ने बनारस पहुंचे तमिलनाडु से आए दल को संबोधित किया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वाराणसी से तमिलनाडु के बीच काशी तमिल संगमम नाम से ट्रेन चलाने की घोषणा की है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट को लेकर भी अच्छी खबर आ रही। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के तहत योगी सरकार का टारगेट है कि यूपी में 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश कराया जाए और आज मेक्सिको में पहला रोड शो भी आयोजित होने जा रहा है योगी सरकार का। विदेशों में रोड शो किए जाएंगे। मंत्री जयवीर सिंह और आशीष पटेल कोरिया भी जाएंगे। विदेशों से निवेश जुटाने के लिए 10 से 18 दिसंबर रहेगा यह दौरा। वीडियो संदेश वे यूपी में निवेश की बातचीत करेंगे। वैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानपुर दौरे के दौरान अपराधियों और क्रिमिनल्स को चेतावनी देते हुए कहा कि बहन बेटी से अगर छेड़छाड़ की तो अगले चौराहे पर ढेर कर देगी पुलिस। जी हां, बदमाशों को खुली चेतावनी दी है सीएम योगी ने कि एक चौराहे पर किसी बहन बेटी लड़की माता को छेड़ा तो पुलिस अगले चौराहे पर उसे ढेर कर देगी, उसका एनकाउंटर कर देगी। योगी सरकार ने कानपुर दौरे के दौरान 388 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया और कहा कि डबल इंजन की सरकार विकास की प्रतिबद्धता के लिए काम कर रही है। अच्छा भाई, देखिए अगला अपडेट। बनारस के 2 लाख घरों में साफ गंगा जल की सप्लाई की जाएगी। जल कल विभाग ने लगाया पॉलीमर डोजिंग प्लांट भी और दावा किया जा रहा है कि आरओ और मिनरल वाटर से भी ज्यादा शुद्ध पानी घरों में गंगा जल के रूप में सप्लाई किया जाएगा। अच्छा भाई, देखिए बड़ी खबर। बेसिक के शिक्षकों व कर्मचारियों को 10 लाख तक का कैशलेस इलाज मिलेगा। पूरे परिवार को मिलेगी सामूहिक स्वास्थ्य बीमा सुविधा। उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों, शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों और शिक्षणेत्र कर्मचारियों के लिए योगी सरकार की तरफ से स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी की सुविधा लागू कर दी गई है। अच्छा, कानपुर में बोट क्लब की शुरुआत भी हुई। लोकार्पण के बाद 300 बच्चों को कराई गई बोटिंग। गंगा के लहरों पर रोमांच का नजारा आप देख सकते हैं। वह देखिए बड़ी खबर। महिला और पुरुष का सम्मान बराबर हो, बंद हो अत्याचार। एएमयू में शिक्षकों और स्टूडेंट्स ने इसको लेकर मार्च निकाला और फिर कैंडल जलाकर लोगों को जागरूक भी किया। हाईटेक होगी गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था। फेस स्कैनर से लगेगी पुलिस कर्मियों की हाजिरी। यह है योगी सरकार का नया प्लान। झांसी में ईज ऑफ लिविंग सर्वे के लिए अभियान आयोजित किया गया। कॉलेज में छात्रों और शिक्षकों ने सर्वे में भाग लिया, प्रश्नों का जवाब भी दिया। अच्छा, उत्तर प्रदेश में 6 IPS अफसरों के भी तबादले कर दिए हैं। प्रयागराज गाजियाबाद को मिले अतिरिक्त पुलिस आयुक्त भी। वह देखिए हाथरस में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का हुआ आयोजन। 30 मुस्लिम जोड़ों के साथ टोटल 401 जोड़ों का विवाह हुआ और उन्हें मैरिज सर्टिफिकेट भी दिए गए। हाथरस के अलावा अयोध्या में भी 125 युगल बंधे शादी के बंधन में। प्रमाण पत्र के साथ खातों में 51,000 रुपए व 10,000 रुपए का घरेलू सामान भी योगी सरकार ने दिया। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत योगी सरकार गरीबों की शादियां करवाती है और उन्हें 51,000 रुपए धनराशि भी देती है। अच्छा, अगला अपडेट देखिए दोस्तों। नोएडा में मीटर यूनिट से आएगा अब पानी का बिल। 31 दिसंबर तक पूरा होगा सोसाइटी में वाटर मीटर लगाने का काम और फिर बिल की रेटें क्या होगी वो दरें भी जल्द ही तय की जाएंगी। वह देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और ओम बिड़ला गोरखपुर पहुंच चुके हैं। गुरु गोरक्षनाथ के लिए आशीर्वाद लेंगे और आज महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद संस्थापक समारोह में भी वो शामिल होंगे। वैसे दोस्तों गोरखपुर में विकास को लेकर भी अच्छी खबर आ रही है। डेटा आ रहा है कि अब तक पिछले 8 महीनों में 4,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर को तोहफा दिया। अच्छा वही देखिए अगला अपडेट। गोंडा में सूर्य दिवस के मौके पर विश्व हिंदू परिषद ने किया आयोजन। वक्ता बोले हिंदू समाज के सूर्य की परंपरा अति प्राचीन है। समाज की सूर्य गाथाएं बेमिसाल है। कानपुर में भी 10 थानेदार को बदल दिया गया। जेपी नड्डा के पीआरओ को हवालात में डालने वाले दरोगा को चार्ज दिया गया। लापरवाह थानेदारों पर प्रशासन ने गाज गिराई। अच्छा वही देखिए उत्तर प्रदेश में अयोध्या में अवध विश्वविद्यालय में ताइक्वांडो खिलाड़ियों ने दिया दम। 10 दिसंबर को छात्र छात्रा वर्ग के मध्य हैंडबॉल प्रतियोगिता का भी आयोजन होगा। देखिए आपके हेल्थ को लेकर न्यूरोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के एक्सपर्ट्स का कहना है कि बिगड़ा ब्रेन पूरे शरीर को प्रभावित करता है। 70वें अधिवेशन में दूसरे दिन 108 तकनीकी सत्र हुए। अच्छा भाई देखिए लखनऊ और वाराणसी नेशनल हाईवे पर अंडर पास और ओवर ब्रिज बनाया जाए। जौनपुर के बीएसपी सांसद श्याम सिंह यादव ने सदन में NH-731 को बताया मौत की सड़क और इसी सड़क पर उन्होंने ओवर ब्रिज और अंडर पास बनाकर के बाईपास की अपील लगाई है सरकार से। अच्छा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी ने गो ऐप लॉन्च किया है। गायों के चेहरे से होगी उनकी पहचान। गोमूत्र से हाइड्रोजन बनाकर दिया डेमो। ये कुछ तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। बड़ी खबर देखिए, कुकरेल जू एवं नाइट सफारी का काम जल्द ही होगा शुरू। ODOP स्कीम के जैसे ही प्रदेश के हर जनपद में वन डिस्ट्रिक्ट वन वेटलैंड का काम शुरू होगा। अच्छा वही बरेली विश्वविद्यालय के छात्रों ने इसरो के कमांड सेंटर को विजिट किया और इंजीनियरिंग के छात्रों ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के टेलीमेट्री ट्रैकिंग की जानकारी भी ली। सुल्तानपुर पहुंची मेनका गांधी ने पीएम मोदी की तारीफ की और कहा कि गुजरात नतीजे पर बोली, प्रधानमंत्री का सिर एक बार फिर से गर्व से ऊंचा हुआ। नए साल 2023 से
मुरादाबाद में सेहत का तोहफा मिलेगा लोगों को। मुरादाबाद जिले में 6 हेल्थ एटीएम लगाए जाएंगे। कर्मचारियों का खर्च और देखरेख भी विभाग करेगा। और ये हेल्थ एटीएम का मतलब दोस्तों, ये इस तरह की मशीनें होंगी जहां आप अपनी तुरंत स्वास्थ्य से संबंधित जांचें करा पाएंगे, जैसे खून की जांच, यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट वगैरह। इस तरह की जांचें, कई तरह की जांचें आप एटीएम मशीन के जरिए करा पाएंगे। मुरादाबाद जिले में नए साल 2023 में 6 हेल्थ एटीएम लगाए जाएंगे। वह देखिए, बिजनौर एसपी ने फ्रोज के साथ किया रूट मार्च, रुक कर लोगों को यातायात के नियमों की जानकारी दी, बिना हेलमेट वालों को तेल न देने के आदेश भी दिए। अच्छा, मेरठ और मंडल में आजकल किसान भाई लोगों की फसलों पर, गेहूं पर कीट पतंगों का खतरा काफी ज्यादा मंडरा रहा। इसको लेकर कृषि विभाग ने एडवाइजरी भी जारी की और कुछ दवाएं भी बताई हैं जिनका प्रयोग करके किसान भाई लोग अपनी गेहूं की फसल में कीट पतंगों से छुटकारा पा सकते हैं। वो दवाएं कौन सी है जिनकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। गेहूं व जंगली जई की रोकथाम के लिए इन दवाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा संकरी पत्ती और चौड़ी पत्ती दोनों तरह के खरपतवारों पर नियंत्रण के लिए इन दवाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, और मैं देखिए बड़ी खबर, उन्नाव में स्वास्थ्य टीम ने लगाया कैंप, फाइलेरिया की हुई जांच, 7 मरीज मिले, विभाग ने 60 लोगों के खून के नमूने भी लिए। अच्छा, ओरिया की सुदीक्षा ने जिले का नाम रोशन किया। देखिए ये लड़की ने किस तरह से नाम रोशन किया। मंडलीय स्तरीय प्रदर्शनी में मॉडल स्टेट प्रदर्शनी के लिए चयनित हुई है। चेयर ऑफ होप का निर्माण भी किया। कानपुर में आयोजित हुई इंस्पायर अवार्ड मानक योजना 2022 की मंडल स्तरीय प्रदर्शनी का आयोजन हुआ और इसी में ओरिया के गेल डीएवी पब्लिक स्कूल की कक्षा 10वीं की छात्रा सुदीक्षा दास का मॉडल चेयर ऑफ होप राज्य स्तरीय लखनऊ में होने वाली प्रदर्शनी के लिए चयनित हुआ। मैनी मैनी कांग्रेट्स सुदीक्षा को। अच्छा दोस्तों, अभी अपन खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश की कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें आपको बताऊंगा, लेकिन इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। नाम ध्यान में रखना, याद कर लो, डेली यूपी न्यूज। इस चैनल पर आपको अपने उत्तर प्रदेश राज्य की डेली रोजाना की ताजा खबरें तुरंत मिलती रहती है। चलिए आगे बढ़ते खबरों की तरफ। देखिए, गाजियाबाद में 108 दिवसीय सहस्त्र चंडी बगलामुखी महायज्ञ आयोजित होने जा रहा। दासना देवी के मंदिर में ये आयोजन होगा। श्रीमद् भागवत गीता महाकुंभ में जुटेंगे कई विद्वान पंडित भी। वह देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की भारत छोड़ो यात्रा की शुरुआत भी हो चुकी है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने बिसरख से इसकी शुरुआत की। 22 दिसंबर को रामपुर में ये संपन्न होगी। अच्छा, मौसम पर खबर आ रही दोस्तों की झांसी में 14 दिसंबर से चलेगी शीत लहर। सर्द हवाओं से लगातार गिर रहा पारा, सुबह रात में कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है। वह देखिए, सरकारी नौकरियों पर अपडेट है। उत्तर प्रदेश में एनएचएम में होगी 4000 पदों पर भर्ती। यूपीपीसीएल ने युवाओं से मांगे आवेदन। कोल विभाग में नौकरी के लिए एससी एसटी फ्री में भरे फॉर्म। ज्यादा जानकारी आप upnrhm.gov.in पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा। और इस वैकेंसी में कितनी क्या कुछ पोस्ट वगैरह है, इसकी डिटेल्स भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। लास्ट डेट रिमाइंडर के तौर पर आपको बता रहा हूँ, फॉर्म भरने की अंतिम तारीख 13 दिसंबर है, इसलिए ठीक है ना। अच्छा भाई देखिए, 15 दिसंबर को तकिया मेला का शुभारंभ होगा। डीएम ने मेला की तैयारियों का जायजा भी लिया। मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने का दिया निर्देश। उत्तर प्रदेश के उन्नाव के पाटन में हर साल हिंदू मुस्लिम एकता व सांप्रदायिक सौहार्द का प्रतीक तकिया मेला इस बार भी पूरी भव्यता के साथ लगेगा और ये मेला 15 दिसंबर से आयोजित होगा। वह देखिए, हरदोई में तंबाकू को रोकथाम के लिए एक नई पहल शुरू की गई। तंबाकू का उपयोग न करने की लोगों को शपथ दिलाई। साथ ही प्रशासन ने फैसला लिया कि सार्वजनिक स्थान पर अगर आप धूम्रपान करते हो तो आपको 200 रुपए का जुर्माना भी भरना पड़ेगा। हरदोई में आज कोविड कमांड सेंटर सभागार नगर पालिका परिषद में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत एक उन्मुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया और इसी में लोगों को जागरूक किया। वही देखिए, लखनऊ में जल्द शुरू होगा 3 बस अड्डे का काम। गोमती नगर, चारबाग और अमोसी में नए बस अड्डे बनाए जाएंगे। इसके लिए टेंडर प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। अच्छा, फिरोजाबाद का नाम रोशन करने वाली एक लड़की की दास्ता देखिए आप। सांभवी इनका नाम है। इन्होंने फिल्म में गाने में आवाज दी है। सलाम वेंकी के गाने में सुनाई दी फिरोजाबाद की बेटी की आवाज और पहली बार ये गाने पर सिलेक्ट हुई है। जी हाँ, इस शुक्रवार सिनेमाघरों में रिलीज हुई हिंदी फिल्म सलाम वेंकी के एक गाने में फिरोजाबाद के टूंडला निवासी बिटिया की आवाज सुनाई दी। उसकी इस सफलता के लिए जिले वासियों ने उनके माता पिता को भी बधाई दी है और हमारी तरफ से भी मैनी मैनी कांग्रेट्स और ढेर सारा गुड लक इनको अपने बेहतर भविष्य के लिए। अच्छा, अगला अपडेट देखिए। छापेमारी के विरोध में सड़क पर उतर आए व्यापारी। बस्ती में पैदल मार्च निकालकर विरोध भी जताया। बोले कि दहशत फैलाने की कोशिश पर बाजार बंद भी करेंगे। दरअसल आपको बता होगा, उत्तर प्रदेश में काफी ज्यादा जीएसटी वगैरह को लेकर कारोबारियों पर छापेमारी की जा रही है। देखिए, गोरखपुर में भी कारोबारियों में जीएसटी रेड का खौफ देखा गया। छापेमारी को लेकर गुस्से में है व्यापारी, कई तो डर के मारे दुकानें बंद करके भाग गए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की 22 टीमों ने 24 फर्मों पर रेड डाली है। उत्तर प्रदेश में जीएसटी टीम ने ताबड़तोड़ छापेमारी से लोगों में, व्यापारियों में हड़कंप मचा दिया। 71 जिलों में एक साथ रेड डाली जा रही है। जो भी जीएसटी की चोरी कर रहे हैं उन पर लगाम लगाने के लिए कुछ जगहों पर जिला अधिकारियों को ज्ञापन भी दिया गया इस संबंध में कि छापेमारी के नाम पर व्यापारियों को डराए न साहब। प्रयागराज समेत उत्तर प्रदेश में जीएसटी की छापेमारी पर व्यापारियों ने अधिकारियों को ज्ञापन भी दिया। अच्छा मैं देखिए दोस्तों, बदायूं में जामा मस्जिद मामले में दिल्ली और लखनऊ में पक्षकारों का होगा प्रकाशन। 3 जनवरी को होगी अगली सुनवाई। वही देखिए, स्मार्ट सिटी में लखनऊ से ऊपर पहुंचा बरेली, तो वहीं उत्तर प्रदेश में 5वें और देश भर में 38वें स्थान पर है झुमका नगरी। बड़ी खबर आ रही, उत्तर प्रदेश में खत्म होगा
साहूकारी अधिनियम आज सदन में उत्तर प्रदेश निरसन विधेयक भी पेश करेगी सरकार। ओके दोस्तों, तो इसी कड़ी में आज दिन भर की उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें और मुख्य समाचार का अपडेट वीडियो आपको जरूर देखने मिला होगा। वैसे दोस्तों, आप उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में कौन सी तहसील में रहते हैं मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा, ताकि मैं आपके जिले के समाचार और सरकारी योजनाओं की जानकारी भी आप तक पहुंचा पाऊंगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, हमारे चैनल डेली यूपी न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना। जय हिंद, जय भारत।